बाहू एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रतिका। इस समय मैं प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक जो है क्लाइमेट फ्रंट जम्मू द्वारा यहां प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन करने का एक अलग ही अनोखा तरीका जो है वो देखा गया है। बर्फ के सिल्ले के ऊपर महिला की युवती खड़ी है और यहां पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख में नहीं बल्कि वर्ल्ड के कुछ 150 से ज़्यादा जगहों पर ये ग्लोबल क्लाइमेट जस्टिस के लिए यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए बर्फ़ के सिल्ले पे जहाँ एक युवती खड़ी है और साथ ही साथ एक व्यक्ति ऑक्सीजन मास्क लगाकर यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है उसी प्रकार से लोगों को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो वॉलंटियर हाउ में आए हेल्प यू क्लाइमेट फ्रंट चेंज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और ऑक्सीजन में प्लांट्स जो हैं ग्रीन प्लांट्स यहाँ पर लगाए गए हैं और युवती यहाँ पर बर्फ़ के सिल्ले पे खड़े होकर प्रदर्शन कर रही है। तो बातचीत करते हैं, हम लोग डिपेंड नहीं कर सकते हैं फ्यूचर लीडर्स पे, हम लोग नहीं मान सकते हैं कि वो लोग हमारे लिए पॉलिसीज बनाएंगे, क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एनवायरनमेंट एंड उनके लिए ये इम्पोर्टेंट। एक अनोखा तरीका प्रदर्शन करने का नजर आ रहा है, ऑक्सीजन मास्क लगाए हैं, बर्फ की सिल्ली पर युवती खड़ी है, क्या टॉपिक रहेगा? टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज अबाउट द क्लाइमेट चेंज। हम लोग जैसे कि जो ये ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक है ये ऑल ओवर इंडिया नहीं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में मनाई जाती है और स्पेशली ये ग्रेटर थंडर द्वारा जो कि रिकमेंड की गई थी। और हमारा यही मैसेज रहेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो जम्मू का यूथ है उनके लिए, आप देखो कि सबसे पहले मैं मानता हूँ कि स्टडीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर कुछ जैसे कि ग्लोबल स्ट्राइक क्लाइमेट स्ट्राइक में क्या होता है कि जैसे फॉरनर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने स्कूल डे स्किप करके ना यहाँ पे क्लाइमेट स्ट्राइक करते हैं कि लोगों को पता लगे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि हम डिपेंड नहीं कर सकते जो कि हमारे लिए पॉलिसीज बना रहे हैं, हमारे अपने एक्शंस खुद लेने चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा जी जो लोकल्स हैं जम्मू का यूथ है या जम्मू के जो भी जनता है उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि जम्मू में इतने ज़्यादा फॉरेस्ट नहीं हैं कि आपको पता था कि पहले जो रायका फॉरेस्ट में जो है वो भी कट रहे हैं। स्पेशली जो रायका फॉरेस्ट है वहाँ पे जो हाई कोर्ट ये बनाना चाहते हैं गवर्नमेंट जम्मू एंड जो यूटी की गवर्नमेंट ये बनाना चाहती है, तो हम उस चीज़ को भी रोकने की मांग करते हैं। और जो कि हमारी तभी रिवर सूर्यापुत्री है, हम हर संडे जो क्लाइमेट फ्रेंड जम्मू ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स ऑफ रिवर तभी एक मूवमेंट रही है जिसकी वजह से हम तभी की हर संडे सफाई करते हैं। अभी हमें एक साल हो चुका है सफाई करते करते और हमें किसी की सपोर्ट नजर नहीं आ रही है। हालांकि बात करूं कोविड में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पता लगी है ऑक्सीजन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, प्लांट्स कटेंगे किस प्रकार से हम लोग खुद भी ऑक्सीजन ले पाएंगे। एक्चुअली ये चीज़ें लोगों को समझ नहीं आ रही, क्योंकि अब जैसे कोविड क्राइसिस आए थे और ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई थी कि हमें ऑक्सीजन बाहर से इम्पोर्ट करवाना पड़ रहा था। अगर हम पेड़ बचाएंगे, एक्चुअली हम नहीं कहते तुम प्लांटेशन करो, हम ये नहीं कहते, एटलीस्ट तुम लोग उस चीज़ को रोक तो सकते हो, हम नहीं चाहते कि तुम लोग वो तो बचा। बस यही मैसेज रहेगा कि यूनाइट रहे और डिपेंड हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हमें अपने एक्शंस खुद ही लेने चाहिए और यही मेरा मैसेज है। देखो ग्लोबल स्ट्राइक जो है सिर्फ जम्मू में नहीं जम्मू कश्मीर लद्दाख में मनाई जा रही है और युवती बर्फ़ की सिल्ली पे यहाँ पर खड़ी है और यहाँ पर फोटोग्राफ्स लेना, फोटोग्राफ वीडियोस क्लाइमेट फ्रंट जम्मू का अकाउंट किसके पास? अच्छा तुम ये दे दे मेरे को फोन ले ले डोंट मेक ट्रीज प्लीज कीप देम विद केयर, यानी कि एक ये मैसेज भी है, अगर आप नए प्लांट्स प्लांट नहीं कर सकते हो प्लांटेशन नहीं कर सकते हो लेकिन एटलीस्ट जो कुछ बचा है उसे तो आप सेव कर सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन की अगर बात करो तो सबसे ज्यादा क्या संदेश देना चाहते हो कि जिस तरह से एक पल्ला गले में डाल के देखिए, ये अकेला संदेश नहीं है, अभी हम लोग एक और इंसान को दिखाते हैं। शुभम
क्या मैसेज देना चाहते हैं इसे, ये एक फंदा गले में डालकर बर्फ की सिल्ली पे खड़े हो? देखो ये जो बर्फ की सिल्ली मेरे नीचे है वो पानी और जंगल की बात नहीं की, कल को ऐसे ब्रीदर पहन के घूमना पड़ेगा और पूरी वो ग्लेशियर का को रिप्रेजेंट कर रही है और ग्लेशियर्स जिस स्पीड से मेल्ट कर रहे हैं आप देख रहे हो, ये बर्फ की सिल्ली जब स्टार्टिंग में थोड़ी ज्यादा बड़ी थी और ये छोटी होती जा रही है और मेरे जो गले की रस्सी है वो एकदम टाइट होती जा रही है, तो एक टाइम आएगा जब ये सिल्ली पूरी मेल्ट हो जाएगी, यानी कि ग्लेशियर्स पूरे मेल्ट हो जाएंगे और ये फंदा एकदम टाइट होके मैं मर जाऊंगी। वैसे ही क्लाइमेट चेंज है, बहुत तेजी से हो रहा है और सी लेवल राइज कर रहा है और हम एक दिन सबमर्ज हो जाएगा हमारा पूरा लैंड और हम लोग मर जाएंगे। तो यही मैसेज देना चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज को जल्दी से जल्दी रोका जाए, उसे स्लो किया जाए ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में और हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी प्रॉब्लम ना हो। हालांकि ये देखा जाता है कि इस साल लगातार 2 साल की बात करूंगी, क्लाउड बर्स्ट होना, इतनी बाढ़ आना, इतने ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस होना, तो ये लोगों को ये चीज़ एटलीस्ट समझनी चाहिए कि हम अगर और प्लांटेशन नहीं कर सकते एटलीस्ट जो है हम उसे सेव कर सकते। हम दूर ना जाके अपने पास ही देखें तो किश्तवाड़ या भदरवाह चले जाइए, वहाँ पे हर साल 2-3 बार क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, लैंडस्लाइड इतने कॉमन है, फॉरेस्ट फायर्स बिलावर में, ज़्यादा दूर जम्मू से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारे आसपास ही एग्जांपल्स हैं और हमें इनसे सीखना चाहिए कि अगर हमने अभी भी एक्शन नहीं लिया तो बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। हालांकि देखो एक इतना अच्छा मैसेज यहाँ पर दिया गया है कि ये बर्फ की सिल्ली को एज अ ग्लेशियर रिप्रेजेंट किया है कि जो पहले कुछ था और अब धीरे 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 जैसे क्लाइमेट चेंज होगा ये ग्लेशियर जो है वो धीरे 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 कम होता जाएगा। और जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि नेचुरल डिजास्टर्स काफ़ी हो रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि हम जम्मू से बाहर, जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं जाएँ, किश्तवाड़ में हो या चाहे आगे पीछे हो, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो कितनी ज़्यादा कैजुअलिटीज होती हैं जब क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से क्लाइमेटिक कुछ चेंज होते हैं और कैजुअलिटीज जो हैं वो कितनी ज़्यादा होती हैं जब कभी क्लाउड बर्स्ट हो जाते हैं, अर्थक्वेक आना, ये सब क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, एक अर्थ पे काफ़ी ज़्यादा बोझ बढ़ रहा है, उसको कहीं से रिलीफ नहीं है। जब हम भी कभी बीमार होते हैं हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है और इसी तरह से जब हम अर्थ पे रहते हैं अर्थ की भी अपनी जैसे हवा नीड होती है, पानी नीड होता है, ग्रीन प्लांट्स भी वैसे ही नीड होते हैं क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के लिए हम लोग ऑक्सीजन ले पाएंगे। अगर धीरे 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 करके पेड़ कटना बिल्कुल ही शुरू हो गए, बिल्कुल ही डिफॉरेस्टेशन हो गया, फॉरेस्टेशन हुई नहीं, तो ये हम इंसानों को, हम ह्यूमन बींग्स को ही इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। तो यूथ की ओर से बाकी यूथ के लिए एक अच्छा मैसेज है, सिर्फ यूथ को ही मैसेज नहीं बल्कि सबको मैसेज है कि जितना हो पाता है इन सब चीज़ों को सेव करें, अगर आप प्लांटेशन नहीं कर सकते एटलीस्ट जो है उसे बचाएं, लेकिन आप अपनी ओर से कोशिश करें कि ज़रूर अपने आसपास जो है वो प्लांट्स ज़रूर प्लांट करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और ऐसे जुड़ रहे हैं बाहू एक्सप्रेस के साथ।